जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ, कुछ सवाल पूछने आई हूँ और कुछ सवालों के जवाब देने आई हूँ। आज आप में से राजपुरोहित समाज की एक बेटी की घटना बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। वैसे तो हम ऐसी घटनाएं रोज अखबार में किसी न किसी रूप में पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मन को अंदर तक हिला देती है। एक बेटी शादी करके ससुराल जाती है। ससुराल में उसके सामने छोटी मोटी समस्याएं आने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, समस्याएं भी बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते एक दिन वो इतना ज़्यादा रूप ले लेती है कि वो बेटी टॉर्चर होने लगती है। कुछ मानसिक होती है, कुछ शारीरिक होती है। वो बेटी अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको बताती है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन कोई उसे ये नहीं कहता है कि तुम इसका सामना करो। सब उसको यही बोलते हैं कि बेटा एडजस्ट करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और बेटी भी एडजस्ट करती रहती है, क्योंकि वो किधर जाए, इधर ससुराल है, उधर पीहर है, और वो किसी का भी बुरा नहीं लगाना चाहती। धीरे 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 फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, या फिर आपकी बेटी ऊपर से कपड़े सुखाते सुखाते गिर के मर गई, या फिर आपकी बेटी को मिर्गी आई और वो ख़त्म हो गई, या फिर आपकी बेटी ने खुद फांसी लगा ली, या फिर मतलब कुछ आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है। और फिर माँ बाप सगे संबंधी सारे इकट्ठे होते हैं, नहीं नहीं हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, हमारी बेटी को तो मारा गया है। और फिर बोलते हैं कि हमें तो न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पानी नहीं पियेंगे, हम धरने पे बैठेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मैंने एक बात बताओ कि जी टेम का बा बेटी थाने सगला ने बार बार कह रही कि मैं परेशान हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। बी टेम था कि नींद क्यों कोनी खुली, पर बी टेम का थाने बा बेटी या भी बेटी की परेशानी कौन दिखी। बी टेम का थाने समाज दिखो, बी टेम का थाने था कि इज्जत दिखेगी, बी टेम का थाने यह लागो कि माँ की बदनामी नहीं हो जावे। बेटा माँ की बदनामी मत करा दीजिए, बेटा माँ को भूंडो मत लगा दीजिए। तो पहली बात तो आ कि कोई भी बेटी ना तो आपका माँ बाप को भूंडो लगावो चावे, और कोई भी बहू ना ही आपका ससुराल वाला को भूंडो लगावो चावे। तो बा बेटी खून का आंसू पीकर भी था कि बात मान लेवे, ना तो बा आपका माँ बाप को भूंडो लगावे, ना आपका ससुराल वाला को भूंडो लगावे। बा खून का घूंट पीती रहे और आखिर में बा एक दिन दुनिया में चली जावे। बा किया जावे, बा कोई ने भी कोनी ध्यान। और बी के जाया के बाद में थे लोग कोर्ट कचहरियां करो और धरना करो और न्याय की मांग करो, तो पहली क्यों कोनी जागो। लेकिन काई है कि समाज दोनों का नहीं बोले, हर सोसाइटी दोनों का नहीं बोले। किसी बेटी ने अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ या मानसिक टॉर्चर, जरूरी नहीं है कि शारीरिक ही हो टॉर्चर, मानसिक भी होता है, मेंटली भी होता है, अगर उसके खिलाफ भी उसने आवाज उठा ली ना, तो फिर ये समाज उस बेटी को ही टॉर्चर करना शुरू कर देगा। अरे अरे ये तो अपने समाज की बुराई कर रही है, अरे अरे ये तो अपने ससुराल वालों को बदनाम कर रही है, ये तो पीहर वालों को बदनाम कर रही है, अरे या तो भुंडो लगा दियो। तो भाई साहब क्या इंतजार कर रहे हो उसके मरने का? एक दिन जब वो परेशान होकर के इस दुनिया से चली जाएगी, तब तुम लोग इकट्ठे हो गए, तब तुम लोग धरने पे बैठोगे, तुम लोग कैंडल मार्च निकालोगे, फलाना ढीकड़ा तुम हजार चीजें करोगे। तो उससे पहले ही अगर कोई बेटी किसी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो कम से कम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको डिमोटिवेट तो मत करो। उसको देखो, मैं ये नहीं कहती कि अपनी बेटियों को बगावत करना सिखाओ, लेकिन अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखे। खुल के बोलो अपनी बेटी को कि बेटा हमेशा अच्छे से जीना, सर उठा के जीना, लेकिन अगर तेरे साथ कोई गलत करता है, तुझे परेशान करता है, तो तू उसके सामने खड़े हो जाना, भले ही वो कोई भी हो, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। आप देखना बिल्कुल नहीं मरेगी बेटियां, क्योंकि बेटियों को हिम्मत मिलती है। क्यों नहीं सिखाते हो अपनी बेटियों को ये बात कि गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखो? बेटी जब तक माँ बाप के घर पर होवे, बिना एक ही बात सिखावे, कदे माँ बाप के घर को भुंडो मत लगा जे, जिया भी को ब्याह हो जावे, बिना फिर आई बात सिखाई जावे, थर सासरा को कदे भुंडो मत लगा जे, और पीर और सासरा को भुंडो नहीं लाग जावे, ये सोच के मायने बा बेटी घुट 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 कर जीती रहे। और जब बा एक दिन दुनिया में चली जावे, तो फिर काई बात का धरना प्रदर्शन करो, काई बात को न्याय मांगो, और काई बात का केस कचहरी पछे। जद थे लोग भी बेटी के जीता जी कदे भी की बात सुनी गोनी, भी को सपोर्ट करियो ही गोनी, तो मरिया पछ काई न्याय मांगो थे? और न्याय लेकर भी कौन सा तीर मार लोगे बाद में, जब वो बेटी ही इस दुनिया से चली गई? काश के उसके जीते जी ही आपने बेटी को थोड़ी सी हिम्मत दे दी होती, तो शायद वो आज आप लोगों के बीच में होती। लेकिन क्या है कि समाज दोनों तरफ बोलता है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो लोग उसकी पोस्ट पर कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि तुम तो अपने ससुराल वालों को बदनाम कर रही हो और अपने पीहर वालों को बदनाम कर रही हो, ये वो फलाना ढिकड़ा बहुत कुछ। और आज वही लोग जो बेटी इस दुनिया से चली गई है ना, उसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पानी नहीं पियेंगे। अरे भाई, जब उस दिन उसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा दी थी, तब तो तुम्हें बदनामी लग रही थी, अब वो जिस दुनिया से चली गई है, तब तुम न्याय मांग रहे हो। कहने का मतलब ये है कि समाज, रिश्तेदार, नाते, इज्जत, इन सब के चक्कर में अपनी बेटी को कमजोर मत बनाओ, उसे इतना मजबूत बनाओ कि ना तो उसे घुट घुट के जीना पड़े और ना ही उसे घुट घुट के मरना पड़े।
आप ये मत सोचना कि किसी और की बेटी गई है, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई पता नहीं चल सकता है। कल को मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, आपकी हमारी कोई बहन बेटी कोई भी हो सकती है। इसलिए अपने घर की बहन बेटी को मेंटली इतना सशक्त और मजबूत बनाओ कि वो किसी भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सके। आज भी समाज के अंदर बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहुएं बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती है, लेकिन वो किसी को कह नहीं पाती है। कोई उसकी मदद करना भी चाहता है तो करता नहीं है, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि समाज ना तो कुछ कहता है और ना ही कुछ करता है। ये फैसला आपको करना है कि आपको ये खबर सुनना है कि आपकी बहन बेटी इस दुनिया में नहीं रही, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी जिंदा रहे, आपकी आंखों के सामने रहे। थोड़ो सो बस के माँ को भूंडो नहीं लाग जावे, माँ को भूंडो नहीं लाग जावे, इस चक्कर के मायने बहन बेटियां को गलो मत घोटो। सोचो आज क्या बीत रही होगी उस बाप के ऊपर जिसकी बेटी इस दुनिया से चली गई, क्या बीत रही होगी उस छोटे से बच्चे पर जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई। आज भले ही आपकी समाज में बहुत पहचान है, बहुत रुतबा है, बहुत नाम है, पूरा का पूरा समाज आपके साथ है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकते। और आज अगर आपने सही वक्त पर सही फैसला लिया होता तो हो सकता था कि आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने होती। अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं और स्वाभिमान के साथ में जीना सिखाएं। राम राम साहब।